नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज 11 फरवरी है और आज जो है वो यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वक्त जो है हम हैं बिहार राजकीय यूनानी तिब्बी कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद होंगे इस कॉलेज के प्रिंसिपल और आप डॉक्टर साहब हाकिम जो होंगे मौजूद होंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर यूनानी पद्धति है क्या और यूनानी किन किन रोगों में उपचार जो है वो करता है। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। किस रूप में आज आपने कॉलेज में मनाया ये यूनानी दिवस? ये यूनानी दिवस जो है ना, ये सातवां साल चल रहा वर्ष। पहले जो है था कि जो हकीम अजमल खां उनके उस पर चुके बड़े हकीम थे, उन्हीं के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में इसको गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज किया यूनानी दिवस के रूप में। तो यूनानी दिवस के रूप में हम लोग जो है आज जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जो है ना 26 जनवरी के बाद ही सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। काउंटर डाउन फर्स्ट इवेंट में हम लोग जो है साइंटिफिक रखा जिसमें करीब 50-55 पेपर हुए। उसके बाद सेकंड जो है सिटिंग में स्पोर्ट्स रखा, वीक रखा। उसके बाद जो है ना कल्चरल और जो है ना सामे गज़ल वगैरह हुआ और लास्ट में जो है मैं क्या नाम है पोस्टल फिस्ट वगैरह ये हो रहा। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को हम लोग सेलिब्रेट किया कि यूनानी डे के रूप में कि पूरे हिंदुस्तान में ये मन रहा है, हम लोगों ने किया। मनाया जा रहा है, ठीक है, कॉलेज में मनाना भी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा लुप्त होता जा रहा है? लोग जो हैं वो यूनानी के बारे में जानते ही नहीं है। देखिए, अगर मैं कठोरतम शब्द में कहूँ, जानते ही नहीं है यूनानी में किस किस बीमारियों का इलाज जो है वो सक्रिय रूप से किया जा सकता है। देखिए, यूनानी में जो है ना बीच में जो है कुछ लुप्त हो रहा था, लेकिन कुछ मंत्रालय ही अलग हो गया इसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें आयुर्वेदिक यूनानी ये सारे आए और उसके बाद ये फिर नए सिरे से अब फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हकीम साहब, किस बीमारियों का इलाज होता है यूनानी में सक्रिय? भारत सरकार की तरफ से यूनानी में जो स्पेशलिटी है वो स्किन डिजीज़ के लिए है, साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। पूरी दुनिया में 71 से 72% लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, असहाय रोग, क्रॉनिक डिजीज़ में जो जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग को यूनानी में एक्सपर्ट है। इसमें दवा गिज़ा मतलब डाइट के साथ साथ एक थेरेपी हमारे यहाँ इलाज भी तदबीर, जिसमें नॉन ड्रग थेरेपी कहलाती है। उस थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को फिजिकल कुछ एक्सरसाइज है, कपिंग मसाज आपने सुना होगा, वेपर बाथ, ये सब देखे करते हैं जिसमें कम से कम साइड इफेक्ट हो। अभी 8 सालों से तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। स्टेट में भी हम लोग को 265 करोड़ का एक नया कैंपस मिला NMCH में, ये देख रहे हैं 15 करोड़ का आपको ऑडिटोरियम बना हुआ, उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन भारत सरकार की तरफ से पूरी दुनिया में नॉमिनेट किया गया 11 फरवरी को हकीम अजमल खां के उस पर। 2017 से ये प्रोग्राम चल रहा है और डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल की लिस्ट के साथ साथ हमारे पास पेट के अमराज बीमारी, गुप्त रोग की बीमारी बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे पास बहुत है। डेली आप OPD में देखेंगे डायबिटीज़ अगर किसी को हो गया तो उसका उपचार आप कैसे करते हैं? डायबिटीज़ में देखिए, जो नॉर्मल हमारा तरीका है कि उनको खान पान और दिनचर्या को सही करने के साथ साथ उनके साथ जो दवाएं हम देते हैं ब्लड शुगर को कम करने वाली, और साथ में चूँकि इसमें जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व है उसका करेक्शन करते हैं हम लोग। डायबिटीज़ जनजात जनरली नहीं होता है, ये जो बीमारी टाइप 2 होती है हमारी, उसमें तो हम अपनी हर्बल दवाएं देती हैं सप्लीमेंट के तौर पे, जो उसको फौरी तो शुगर कम करता है लेकिन शुगर जो बढ़ गया है उसके कारण का भी निवारण करते हैं। तो ये बेसिक तरीका है हमारा डायबिटीज़ का। इसके अलावा लीवर के लिए, पेट के अमराज के लिए, दर्द के लिए हमारी जो थेरेपी बहुत ऊपर है, बेस्ट लीवर ड्रग्स हमारे पास है। स्किन में हमारे यहाँ 100 से ऊपर सिर्फ स्किन की OPD डेली की होती है। जॉइंट्स पेन के लिए पेशेंट बहुत आता है। एक हमारा सेक्शन है यहाँ पे जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन का सेंटर, जिसमें पैरालिसिस के, पोस्ट पैरालिसिस के, फालिज जो मार देता है लोगों को, असहाय रोग, घुटना बैठ गया, चल नहीं पा रहा, नेक उनका मूव नहीं हो रहा, इनके लिए भी हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है जिसमें निःशुल्क हम ये सेवाएँ दे रहे होते हैं। चूँकि ये सरकारी कॉलेज है यूनानी का, अगर कोई शख्स या कोई भी चाहता हो कि अगर यूनानी के जरिए वो इलाज करवाना, तो कैसे वो यहाँ मतलब कितने रुपये में उसका इलाज हो जाएगा, कितने की मेडिसिन आएगी, ये सब जानकारी थोड़ा देखिए। ये गवर्नमेंट का 1926 से पहला गवर्नमेंट कॉलेज है भारत का, ये इस मामले में बिहार को इजाज़ हासिल है। दूसरे, यहाँ पे पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से लेके दवा देने तक एक भी पैसे नहीं लगते हैं,
ऑन एन एवरेज 300 से प्लस पर पेशेंट हम दवा देते हैं। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारे पास 8:30-9 से दो अलग अलग शेड्यूल है, 8:30 और 9 बजे से ओपीडी, जो भी बिहार सरकार में ओपीडी का शेड्यूल है वही हम फॉलो करते हैं। वो टाइमिंग से आते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 4 से 5 मिनट के अंदर डॉक्टर से मुलाकात हो जाती है, देखने के बाद दवाएँ 100 से ज़्यादा टाइप की दवाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, जिसमें आपको क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, पेटेंट दवा भी है। ये हमारी एक फार्मेसी, वहाँ से भी 28 दवाएँ बन के आती। भारत में किसी भी यूनानी कॉलेज में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली दवा यहीं दी जाती है, और ये सब फ्री है। उसके साथ जो प्रोसीजर हमारे यहाँ पर होता है, जिस प्रोसीजर के लिए मार्केट में आपको 1,000-1,200-1,500 रुपये लगते हैं, वो हम फ्री में सब देते हैं। IPD भी फ्री है। एक और जानकारी चाहिए कि जो मेडिसिन अंग्रेजी दवा वाला होता है और जो यूनानी दवा वाला मेडिसिन, उसमें अंतर क्या है बेसिकली, अगर आम लोगों को समझाया जाए? आम लोग इतना समझें कि दोनों केमिकल बेस्ड होता है, एक लैब में तैयार किया जाता है और एक जो है नेचुरल सोर्स से लिया जाता है, जिसमें प्लांट से, एनिमल से, मिनरल जो ज़मीन से निकलते हैं। और जो एलोपैथी वाले हैं वो क्या करते हैं कि उसी के मॉलिक्यूल्स उस जैसा ही लैब में बना लेते हैं, हम लोग सीधे प्लांट से उसको लेते हैं। दोनों केमिकल हैं, लेकिन वो लैब में बना केमिकल है, हमारा नेचुरल सोर्स से लेते हैं। कह सकते हैं नेचुरल केमिकल, नेचुरल केमिकल्स है हमारा, नेचुरल सोर्स से हम ये सारी दवाएं देती हैं, इसलिए उसमें एक पार्ट हर्ब्स भी। अच्छा, बिहार में क्या आप कह सकते हैं कि यूनानी जो है वो आगे जा रहा है? हाँ बिल्कुल, इस तरफ जो है कुछ वर्षों से जो है गवर्नमेंट काफ़ी इस पर ध्यान दे रही है, और पब्लिक में भी जो है ना इसका काफ़ी जो है चर्चा हो रहा है, और यहाँ से भी चूँकि कॉलेज तो प्रोडक्शन है, यहाँ से हम लोग भी हर जगह अलग अलग कैंप लगाते हैं, फ्री कैंप, जहाँ से कि जो है ना सरकार की अनुमति हम लोगों के प्रोटोकॉल में भी है कि जहाँ हो, तो उससे जो है सारा जो है आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलरिटी बढ़ रही है। ये कॉलेज गवर्नमेंट तबी कॉलेज पटना पिछले 33 साल से भारत का सबसे बड़ा कॉलेज है UG के इनटेक में। 125 की हमको परमिशन मिल रही है, और 3 साल से सरकार के प्रयासों से ही हमें मिल रहा है PG का भी, 5 डिपार्टमेंट में 31 है। तो इस मामले में सरकार जिस तरह से ध्यान दे रही है, आप समझ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कॉलेज UG इनटेक की वजह से हो गया है। और फिर हमें यहाँ के बाद एक कैंपस 265 करोड़ का मिल रहा है, तो सरकार की सब तरफ तो पूरे हाथ खोल रखे हैं। सरकार ने आपको जो भी चाहिए, बिहार को यूनानी का हब बना दीजिए, हम देने के लिए तैयार। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस तरह के सारे प्रोग्राम्स के थ्रू कि इनको और जन जन तक पहुंचाएं। इसी क्रम में जो प्रचार महोदय ने कहा कि हम लोग महीने में 1 या 2 कैंप बाहर भी लगाते हैं कि लोगों तक ये पहुंचे, और फिर वो कैंप के बाद जो दूसरी दवाओं के लिए कॉलेज तक आए। तो सरकार के साथ साथ हम लोग भी प्रयासरत हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जन तक, जन जन तक पहुँचाएँ, और एक प्लेटफॉर्म पर आके ज़्यादातर लोगों को सेवाएँ दे सकें। चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।